हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों दोस्तों? एक बार फिर से तेजी, एक बार फिर से बड़ा सा रिसर्च रिपोर्ट निकल गया है और आप लोगों को आज एक कुछ खास चीज़ भी दिखाने वाला हूं इस कंपनी में। दोस्तों, हो सकता है ये कंपनी है ना स्टॉक मार्केट की दिग्गज नंबर वन कंपनी बन जाए या दिग्गज नंबर वन आईटी कंपनी बन जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से ये मोमेंटम जनरेट कर रही है ना मार्केट में, उस प्रकार से सभी का अब ये फोकस अट्रैक्शन कर रही है अपने तरफ। क्या अपने तरफ, किस प्रकार से, वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा, अगर आप लोगों ने प्रॉफिट गुरु चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और एलायंस ब्लू का डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, वहां पर जाइए दोस्तों, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए। तो चलिए सबसे पहले जो न्यूज़ है ना उसको कवर करेंगे, फिर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे और कुछ खास चीजें वो देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए, द इकोनॉमिक टाइम की साइट के ऊपर मैंने आप लोगों को लाया हूं। हैप्पीएस्ट माइंड सर्च ऑन मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 सेल्स ग्रोथ आउटलुक। ठीक है, मतलब दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का ग्रोथ का जो आउटलुक है सेल्स का वो बता दिया है। किस प्रकार से, नीचे हम देखते हैं। जैसे कि आप अपडेट देखेंगे, टाइम फ्रेम देख सकते हो, ठीक है, 8 जून का है, लगभग 2:45 का। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में रिपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ डेट माय एक्सीट, मतलब दोस्तों एक्सीट इट मीडियम टर्म ग्रोथ एम ऑफ 20% इन 2021-2022 द कंपनी मैनेजमेंट टोल्ड नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी। मतलब दोस्तों, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी को हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने बताया कि जो उनकी मीडियम टर्म ग्रोथ है 20% की, उसको वो बढ़ा सकते हैं। एक्सीट का मतलब यही होता है दोस्तों कि वो बढ़ा सकते हैं, मतलब कंपनी भी अब ये मार्केट में बोलते हुए फिर रही है कि जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्साइट, मतलब दोस्तों बहुत बड़ा आने वाला है। तो अब आप लोग इस पे ज़रूर फोकस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को चलाने वाला जो व्यक्ति है ना, उसने पहले एक और कंपनी को चला के आया है और आज मार्केट में वो कंपनी कहाँ पर खड़ी है ये आप खुद देखिए। नहीं पता ना, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, द कंपनी साइट डेट द ग्रोथ विल एक्साइट इट्स मीडियम टर्म ग्रोथ 2021 से 2022 तक ड्यू टू एक्विजिशन एंड फेवरेबल बेस इन 2020-2021। मतलब दोस्तों, कंपनी को जो सबसे ज़्यादा फायदा जो एक्विजिशन किया है दोस्तों, आप लोगों को पता है थोड़े दिन पहले एक्विजिशन वाला भी न्यूज़ आया था, ठीक है, उससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का यहाँ पर अनुमान है। नीचे अगर देखें तो जैसे ये तो आज का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ठीक है। नोमुरा का जो जैसे नोमुरा कुछ बोल रहा है कि जो इनका मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मिड कैप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, इंडिकेटर्स 300 से 400 बेसिक पॉइंट यहाँ पर कवर करता है, जिसके रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर जो मार्जिन बेनिफिट है ना कंपनी, जो मतलब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, उसको इस पेंडेमिक के सीजन में भी काफ़ी अच्छा क्या रेवेन्यू जनरेट करते मिला है मार्जिन बेनिफिट, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर अगर देखें, द सेकेंड हाफ ऑन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब दोस्तों कंपनी को सभी जगह से बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। नीचे चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। नीचे से कि अगर हम देखें तो यहाँ पर तो आप लोगों को जो बताना था वो मैंने बता दिया है। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, जैसे आप देख सकते हो, जैसे आप लोगों के मन में बस एक ही सवाल होगा कि ये जो व्यक्ति है अशोक सुट्टा जी, ठीक है, ये अभी यहाँ पर रन करा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को, तो इनका मैनेजमेंट क्या है, एकदम तगड़ा देखने को मिल रहा है कि इसको कुछ हल हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर ये चले गए, इन्होंने मतलब संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, फिर क्या होगा दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का? दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। जो नोमुरा है ना, उन्होंने बता दिया है, द कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ सक्सेशन प्लान इन द केस प्रमोटर्स अशोक सुड्डा नो लॉन्गर अवेलेबल प्रोवाइडर इट सर्विस टू द कंपनी। मतलब दोस्तों, अशोक सुट्टा जी ने अगर लॉन्ग टर्म में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सके, इन्होंने अगर मान लीजिए
यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया तो भी दोस्तों एक सक्सेशन प्लान बना हुआ है दोस्तों कंपनी के पास, जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को इतनी ऊंचाई पे लेके जा सकता है दोस्तों, जहाँ पर आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अभी तो आप लोगों के पास हाथ लगाने का भी मौका है, ठीक है। तो अब आज का परफॉर्मेंस देखते क्या देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ तो देखा, जब भी दोस्तों इस कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ पढ़ने को मिलता है ना, बहुत मज़ा आता है अंदर से, क्योंकि दोस्तों हमने तो एकदम लोअर प्राइस से स्टॉक को ख़रीदा हुआ है। अप्लाई करा था आईपीओ में, नहीं मिला, देन तुरंत बाद ये स्टॉक नीचे आ गया था, ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक जब आ ही गया था, जब से ही हमने स्टॉक को पकड़ा और जब से बहुत शानदार मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें तो एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी, और मिड कैप कंपनियां तो मार्केट में कितनी आईटी कंपनी, और वो सभी कितना ख़तरनाक परफॉर्मेंस दे रही है। आप लोगों को मैंने एक वीडियो भी बना के बता दिया है, 5 मिड कैप कंपनी, जैसे जस्ट डायल हो गया, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ग, ये सब कंपनी इतना शानदार मोमेंटम जनरेट करके दे रही है, और ख़ास करके माइंडट्री, जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आप इन पे ही फोकस कर लेंगे ना, ये पांचों कंपनी पे, तो आपको दोस्तों करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए, आज ये स्टॉक 3.5% चढ़ा, 926.40 रुपये पे क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज 894.75 रुपये, गैप अप ओपनिंग लेता है मात्र 1 रुपये का, 895, हाई लगाता है 948.45 रुपये, और यही कंपनी का आज का ऑल टाइम का हाई, स्टॉक का ऑल टाइम का हाई, और 52 वीक का हाई, 890 रुपये का लो। अब देखिए यहाँ पर आज 68 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम है ना, ये आगे आपको 68 करोड़ का भी देखने को मिल सकता है, तो जिसके लिए अभी आप लोग यहाँ पर फोकस करके बैठ जाइए दोस्तों, जितना पैसा पूरा लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 52 वीक का है और 52 वीक का लो। उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों स्टॉक में आज का डिलीवरी पैटर्न 18.5% का, क्वांटिटी आप देखेंगे 11,67,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करेंगे तो मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हो, मार्च क्वार्टर का थोड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे और अच्छा खासा मोमेंटम। अब यहाँ पर देख सकते हो 29 जून को 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देने जा रही है कंपनी, अपने इतिहास का सबसे फर्स्ट डिविडेंड। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, 53.25% का स्टेक प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो दोस्तों प्रमोटर्स ने स्टेक को प्लेज भी बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे भी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अब आज का परफॉर्मेंस देख सकते हो चार्ट पे, ठीक है, किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 दिन में देखिए स्टॉक में 8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, मतलब एक स्विंग ट्रेडर्स होगा ना, उसने तो अच्छी तरीके से पेट भरा होगा। लास्ट 1 महीने में स्टॉक में 7.5% की तेज़ी, लास्ट 6 महीने में लगभग 187% की तेज़ी, और लास्ट 1 साल में लगभग 150% का मोमेंटम करके ये स्टॉक खड़ा है मार्केट में। लास्ट 5 साल लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा पीछे से अब आगे आ गया, ठीक है, सितंबर से। तो जिसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मोमेंटम है ना मार्केट में, बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक हिंदी आर्टिकल है, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड फाउंडर अशोक सुट्टा, अशोक सुट्टा ने हैप्पीएस्ट माइंड के पहले माइंडट्री के आईपीओ को बेहतर सफल बनाया था। मतलब दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से पहले दोस्तों अशोक सुट्टा जी जो है ना माइंडट्री को इस लेवल पर लाके छोड़ के आए हैं, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने अपनी आईटी कंपनी बनाने के क्या फैसला लिया था, जब उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के नाम से ये कंपनी विकसित की, देन उसको आज मार्केट में लॉन्च किया, और उसको अभी एक बड़ा सा रिस्पॉन्स मिला। तो आप देख सकते हो आपके सामने दोस्तों एक इतनी बड़ी सफलतापूर्वक कंपनी मार्केट में खड़ी हुई है, ठीक है, जिसका नाम माइंडट्री है। अब उसको चलाने वाला व्यक्ति आज खुद की कंपनी चला रहा है, तो उसको तो अलग ही तरीके से लेके जाएगा ना वो कंपनी को। तो आप इस कंपनी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे दोस्तों? अगर आप अभी से कर लोगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये हमारा प्रीवियस का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिएगा दोस्तों, आप देख सकते दोनों पे लिस्टेड मिलेगा। स्टॉक गिरावट है स्टॉक में, तो डेफिनेटली मार्केट कैपिटल में भी गिरावट है। लगभग 11,300 करोड़ के आसपास स्टॉक का मार्केट कैपिटल था। देन दोस्तों आप लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सब दिख रहा है, हेडलाइन भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ही वीडियो है प्रॉफिट गुरु चैनल का। मार्केट कैपिटल आप लोगों ने देखा, आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 10,699 करोड़ का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को बदलाव होते देखने दोस्तों, ये वीडियो भी है ना एक वीडियो पहले का है, ठीक है। देन आप यहाँ पर सेकंड वीडियो आने वाला है को मिलेगी। अब अपन जो करेंट का रेट है,
उस पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो फंडामेंटल डाटा है उसके ऊपर मैंने लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, 10,699 वाला जो मार्केट कैपिटल है वो 12,541 करोड़ पे आ गया है। मतलब तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितने जल्दी मोमेंटम आया। ये जो वीडियो है ना दोस्तों ये एक हफ्ते पहले का है, आप डेट देखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक हफ्ते पहले का ये अपडेट है, क्या लिखा हुआ था, हैप्पीएस्ट माइंड बड़ा अपडेट, अब ये करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा, 100% गारंटी। जब से ये स्टॉक कहाँ पर आ गया आप देख सकते हो, ठीक है। आपने क्या मार्केट कैपिटल देखा, 10,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल, 12,500 करोड़ बना। अब हम देखते हैं वो 12,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल कितना बना एक हफ्ते में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्कैनर की साइट के ऊपर लाए हैं। तो आप देख सकते हो जो 12,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल है दोस्तों वो 13,141 करोड़ का बन चुका है खाली एक हफ्ते के अंदर अंदर। अब आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट में जो वैल्यू ना वो कितनी तगड़ी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आप इसको रोक नहीं सकोगे ना स्टॉक को रोक सकोगे। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया ना दोस्तों तो आप बहुत इंजॉय करोगे दोस्तों आपकी लाइफ को, क्योंकि इतना प्रॉफिट देके जाएगा ये कंपनी। ये कंपनी TCS को भी छोड़ देगा मार्केट में, माइंडट्री को भी छोड़ देगा, SCLTech को भी छोड़ देगा और विप्रो को भी छोड़ देगा, क्योंकि अभी कंपनी का ग्रोथ चालू हुआ है। जैसे जैसे कंपनी दोस्तों उस लेवल का पहुँचेगा ना तो फिर आपको बोनस डिविडेंड भी एक काफ़ी बड़े अहदे का देगा, स्प्लिट भी देगा, सब देगा। तो मैं आप लोगों को अभी ही बोल रहा हूँ, अभी दोस्तों ये स्टॉक बहुत आराम से ट्रेड कर रहा है, देन उसके बाद ये एक बड़े लेवल पे ट्रेड करेगा ना तो आप इसको इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस हाई हो जाएगा हमें 101% पता है कि आप इसी प्रकार का फैसला लोगे। तो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी फोकस करोगे तो प्रॉफिट जोरदार देके जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा अपडेट था दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो न्यूज़ था वो भी कवर किया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।